लास्ट लेक्चर में हम इटली का थोड़ा सा ही पार्ट पढ़ पाए थे और उसका जो सेकंड हाफ है वो आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हम इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे, आज ये कर्सर मैं ले जा रही हूँ, आप देखेंगे इधर स्विट्ज़रलैंड है और ये पिडमॉन्ट एंड सार्डिनिया इज हियर एंड फ्रांस लोम्बार्डी है ना, इनके नाम सब आएंगे अभी, इसलिए ध्यान रखिए। पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, लोम्बार्डी, वेनिशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड एंड्रियाटिक सी, टस्कनी, पैपल एंड द स्टेट्स हियर द कॉर्शिया, सार्डिनिया है ना, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर और ये इस तरह से पूरा इटली आपको जो है ये अलग 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 स्टेट्स दिख रही हैं, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया एंड द टस्कनी, लोम्बार्डे, वेनिशिया। सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स, स्टेट्स, और इटली के यूनिफिकेशन में ये सब पूरा एक हो गया था, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया, वेनिशिया, रोम और लोम्बार्डे, पिडमॉन्ट, और भी छोटे छोटे ऐसे राज्य थे जो ऑस्ट्रिया इनको एक नहीं होने दे रहा चाह रहा था। ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री था मैटरनिक और पोप, इसको पूरा एक नहीं होने देना चाह रहे थे, ये पूरा अलग अलग था। और इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति से इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना फूटी, उदारवाद आया और इस तरह से फिर एक किंगडम बन गया था। ये हम पढ़ चुके थे, इटली यूनिफिकेशन को जो है रिसॉर्जिमेंटो भी कहते हैं, क्योंकि राजनीतिक और एक सामाजिक मूवमेंट चला था जिसके के अंतर्गत ये सारा पूरा इटली की छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, राज्य थे, वो एक हो गए 1861 में, और इसीलिए फिर उसको इटली किंगडम कहा जाता है। और बहुत पुराने समय में देखेंगे, 3rd century BC में 700 साल के लिए जो है रोम, इटली वॉज यूनिफाइड बाय द रोम, रोम के द्वारा जो है वो यूनिफाइड किया गया था। और जो उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन थी है ना, ऑफ द कैपिटल ऑफ द रोमन रिपब्लिक एंड एम्पायर, ये उसकी जो है एक तरह से राजधानी रही थी, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस ए प्रिविलेज्ड स्टेटस एंड वॉज नॉट द इन टू द प्रोविंस, और वो जो है एक तरह से प्रोविंस की तरह बहुत समय से नहीं कन्वर्ट हो पाया था एक प्रांत में, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर के जैसे ही पतन हुआ तो इटली ने एक तरह से ऑस्ट्रो गोथिक किंगडम की तरह वो रह गया था। और बाद में जो है लोम्बार्डे और बेंजेंटाइन किंगडम के अंतर्गत जो है फिर संघर्ष हुआ था, आपसी वैमनस्य हुआ था, और ये सिचुएशन जो है रेनेसा के बाद तक नेशन स्टेट्स अर्ली मॉडर्न पीरियड में आप देखेंगे कि जब रेनेसा हुआ था तो ये जो जितने भी राष्ट्रीय राज्य इनका विदय हो रहा था, तो इटली जो है पेपल स्टेट्स के अंतर्गत आता था, और जिसने स्पेन और फ्रांस, ये सब होली रोमन एम्पायर, ये सब अलग अलग हो गए थे और राष्ट्रीय राज्यों के अंतर्गत इनका हमने अभ्युदय देखा था। और जब इनको ये इटली को ये समझ में आया, छोटे छोटे राज्य सब अलग अलग बटे हुए थे, तो इनके अलग अलग चरणों में इसका यूनिफिकेशन हुआ था। फ्रांस की क्रांति से इटली के छोटे छोटे राज्यों को ये समझ में आने लगा कि सब एक यूनाइट होना चाहिए और एक बड़ा मिलकर के एक राष्ट्र बनना चाहिए। और 1870 में जब वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो वहाँ का जो राजा था रोम का, इमैनुएल, तो यहाँ पर जो है ये संगठित इटली में शामिल नहीं थे। और बाद में फिर इनको ये समझ में आने लगा कि राष्ट्रीयता की
भावना क्या होती है, नेशनलिटी की भावना और उदारवाद, और इसके तहत जो है फिर इन्होंने जो है फिर आपस में यूनाइट होने का, राष्ट्रीयता की भावना के अंतर्गत, एकता की भावना इनके अंतर्गत इन्होंने आपस में संगठित करने का विचार आया। और रोम के प्राचीन गौरव का इतिहास इनको ध्यान में आया कि प्राचीन सभ्यता किस प्रकार से गौरवशाली थी और कितने राष्ट्रीयता की भावना थी, और इतना गौरवशाली जब हमारा अतीत था तो क्यों ना हम जो है आज भी आपस में सब यूनाइट होकर के, सब जो नेपोलियन ने जितना भी यूरोप का पूरा मानचित्र बिगाड़ा हुआ था, तो वापस से हम स्वतंत्र होकर के, यूनाइट होकर के अपना एक स्वतंत्र प्रांत बना सकते हैं, है ना। वही बात यहाँ पर भी है कि विद्या, कला, आर्ट, विज्ञान, ये सब प्राचीन काल में कितना उसका वैभव था, और इस तरह से फिर उदारवाद और राष्ट्रीयता के अंतर्गत उन्होंने सोचा, और एकीकरण का कार्य, इसमें एक लंबा समय लगा इनको। यहाँ तक हमने पढ़ा था मध्य इटली का एकीकरण, स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी, और पिडमॉन्ट है वो भी मिलने का प्रयास करने लगा, मोडेना, टस्कनी आदि सब मध्य इटली के राज्य थे, और पिडमॉन्ट में मिलने का इन्होंने सबने जो है आपस में डिसीजन लिया, और इस प्रकार से इनका यूनिफिकेशन हुआ। सिर्फ जो दक्षिण इटली के राज्य अलग थे उनको एक करना शेष रह गया था, तो शेष इटली को पिडमॉन्ट में शामिल करने का जो आंदोलन चला उसमें इन्होंने आपस में ही जो इटालियन जो नेशनलिटी थी वो आपस में ही थी, और इसके लिए कुछ हर युग में कोई बुद्धिवादी तत्व आते हैं, तो उनकी कलम, उनके जो विज्ञान, विज्ञान जो होता है, तो उसके कारण जनता जो है बहुत जल्दी एक हो जाती है कहीं भी जब क्रांति होती है, तो इसके लिए कुछ बुद्धिवादी तत्व जैसे कुछ नेशनलिस्ट थे, जैसे गैरिबाल्डी थे, मैजिनी था, तो इन्होंने जो है थोड़ा सा एक तरह से ये प्रेरणा इनको मिली। गैरिबाल्डी है, मैजिनी है, कैबूर है, और दक्षिण इटली के कुछ राज्य जैसे सिसिली और नेपल्स, तो ये सभी धीरे धीरे जो है आपस में यूनिफाइड हुए। अब जैसे हम अलग अलग कुछ प्रश्न भी आते हैं मैजिनी, गैरिबाल्डी, कैबूर कि इनका इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, है ना, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इनका हमें अलग से जो है क्वेश्चन याद रखना चाहिए। आप इसके ऊपर भी जो है आपका सीसी के जो पेपर हैं वो तैयार कर सकते हैं। जैसे इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के आदर्श को, जैसे मैजिनी जो है बहुत महत्वपूर्ण था, 1805 में जिनेवा में इसका जन्म हुआ था, और ये जो है फ्रांस की राज्य क्रांति से बहुत प्रभावित था, और बाद में जो है मैजिनी के हम जो है कार्य देखेंगे कि इटली की जनता को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए ये प्रोत्साहित करता रहा, क्योंकि इसके अंतर्गत देश प्रेम की जो है भावना थी, गणतंत्र का ये बहुत समर्थक था, सभी को जो है स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाता था, और इसीलिए देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। और मैटरनिक के पतन, ऑस्ट्रिया का मैटरनिक जो है इटली का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था, परंतु युद्ध में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का मतलब हार गया था, और उस इसी कारण जो है इनको थोड़ा सा बल भी मिला था। कैबूर भी इटली के एकीकरण में बहुत इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, और ये भी बहुत अपने समय का कूटनीतिज्ञ था, और सैनिक के जीवन, सैनिक के रूप में इसने अपना जीवन आरंभ कर दिया था, और धीरे धीरे जो है 1848 में यह संसद का सदस्य भी बना था। केबुर के कार्य हम देखेंगे कि इसने पिडमॉन्ट के एकीकरण का नेतृत्व प्रदान किया था। सर्वप्रथम पिडमॉन्ट किधर था, अभी अपन ने नक्शा देखा था, तो पिडमॉन्ट का एकीकरण का नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे मजबूत बनाने का प्रयास किया था, और अनेक सुधार को क्रियान्वित किया, व्यापार, व्यवसाय, क्योंकि हम देखेंगे आर्थिक एक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी चीज़ को जो है मजबूत बनाने के लिए, तो व्यापार के क्षेत्र में जो है व्यवसाय को राजकीय संरक्षण भी प्रदान हुआ था। गैरिबाल्डी ने भी इटली के राष्ट्रीय एकीकरण के कार्य में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। वेनिस में, नीस गलत छपा है, वेनिस में इसका जो है जन्म हुआ था, और ये एक तरह से नेवल फोर्स के लिए बहुत ट्रेंड था, और समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। मैजिनी भी इसके कार्य से बहुत प्रभावित था, और
यहाँ कई वर्षों तक रहकर ये इटली वापस लौटा और इटली आया। कैबूर और विक्टर एमैनुअल के साथ इसने संपर्क बनाए रखा और इस तरह से लाल कुर्ती दल का जो है संगठन किया और सिसली और नेपल्स को भी स्वतंत्र कर राष्ट्रीय धारा में जोड़ने के में यह सफल हुआ। एक आगे अपन भूल गए, यंग इटली का भी निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो यंग इटली का भी एक तरह से शॉर्ट नोट आता है, उसका भी आप ध्यान रखना। सिसली और नेपल्स में देखेंगे कि दक्षिण इटली में सिसली और नेपल्स दो राज्य थे, और जहाँ पर जैसे जो फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था ना, तो बुर्बो वंश का इन दो राज्यों में भी शासन था और यहाँ की जो है खिलाफ विद्रोह कर दिया था जनता ने। तो गैरिबाल्डी ने इससे सहयोग से प्रार्थना की थी और गैरिबाल्डी ने जो है अपनी सेना की सहायता से जो सिसली पर अपना अधिकार कर लिया था और इस तरह से सिसली और पिडमांड के राज्य में जो है इसे शामिल कर लिया गया था। अब रोम पर भी इटली का जो है कैसे अधिकार हुआ था, आप देखेंगे कि इटली वासियों के लिए सबसे बड़ा गौरव का कारण जो है रोम था, क्योंकि रोम जो है बहुत अपनी प्राचीन संस्कृति और वैभव के लिए बहुत जाना जाता था। तो नवीन इटली राज्य की वे चाहते थे कि नवीन इटली राज्य को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, परंतु उस पर भी जो है पोप का अधिकार था और फ्रांस और प्रशा के बीच में इधर जो है युद्ध छिड़ गया था, तो फ्रांस को रोम में स्थित जो है अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। इधर क्या हुआ था, जर्मनी के एकीकरण के दौर में सिडोन, ये इधर जो युद्ध जो है सिडोन के मैदान में जो है ये युद्ध लड़ा गया था, इधर प्रशा जीत गया था और रोम पर आक्रमण करने के लिए इटली को इधर अवसर बिल्कुल अनुकूल फेवरेबल कंडीशन मिल गई थी और इधर रोम पर इसने आक्रमण कर दिया था और 1870 में इटली के ने जो है रोम पर इटली का अधिकार हो गया था। इटली वासियों की इधर अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई थी क्योंकि वो चाहते थे कि रोम हमारा जो प्राचीन समय था वो, मतलब प्राचीन जो भाग था वो हमें वापस मिल जाए। इस तरह से इटली ने रोम पर भी अधिकार कर लिया था। और अब क्या हुआ, 2 जून 1871 को जो विक्टर रोम का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, तो उसने रोम में प्रवेश किया था और इटली की संसद का उद्घाटन करते हुए उसने कहा, हमारी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हो गई है, अब हमारा कार्य राष्ट्र को महान बनाना है। इस तरह से इस प्रकार इटली के एकीकरण का महान कार्य पूर्ण हुआ। और अब सिर्फ जर्मनी का एकीकरण हमें पढ़ना है, वो मैं लेक्चर जो है कल डालूँगी। थैंक यू।